सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट न्यूज को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। संदिग्ध हालत में घूम रहे साउथ कोरियन मूल के अमरीकी नागरिक क्यों डेविड दुहियन को मधुबनी से अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रश्मि जी की अदालत से शनिवार को जमानत मिल गई। एसएसबी के जवानों ने उसे बासोपट्टी थाना अंतर्गत खौना बीओपी के पास डेविड को इंडो नेपाल सीमा के पास से 19 मार्च 2018 को गिरफ्तार किया था। डेविड के पास से कोरियन, अमेरिकी, नेपाली और अन्य देशों की करेंसी भी जब्त की गई थी। बाद में फॉरनर्स एक्ट के तहत बासोपट्टी थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पेश है अविनाश कुमार सिंह की एक रिपोर्ट। कोरिया मूल के अमरीकी नागरिक थे क्यों डेविड दुहियन, उनका आज एसीजीएम पंचम रश्मि ने उनको जो है जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया है। वह पिछले एक साल से अधिक समय से मधुबनी मंडल कारागार में बंद था। 19 मार्च 2019 को बासोपट्टी थाना क्षेत्र में खौना बीओपी के पास एसएसबी जवानों ने उन्हें गिरफ्तार किया। किस मामले में गिरफ्तार हुए थे? उस पर आरोप था कि वह संदिग्ध अवस्था में भारतीय सीमा में पकड़े गए थे, यही उस पर आरोप था। उसी मामले में वह जेल में पिछले एक साल से अधिक समय से जेल में बंद थे। उसी का आज हमने जमानत अर्जी दाखिल की थी और उसी पर आज कोर्ट ने उसको जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। वैलिड कागजात सब थे।